गूगल पे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इससे हम लोग UPI ID क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये गूगल की बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है और ये प्ले स्टोर में उपलब्ध है। जब भी आप किसी मॉल, रेस्टोरेंट में या किसी दुकान में जाते हो तो वहाँ पे QR कोड लगा होता है। इस गूगल पे की मदद से आप उस कोड को स्कैन कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट उस दुकान वाले को, किसी शॉप ओनर को पेमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप उसमें रिवॉर्ड भी जी सकते हो, कुछ कैशबैक भी जी सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा A to Z कि कैसे आप बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो, कैसे आप UPI ID क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, साथ ही साथ कैसे आप रिवॉर्ड जी सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले गूगल पे को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना नंबर जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। मेक श्योर आप वही नंबर रजिस्टर कराएं यहाँ पे जो कि आपके बैंक अकाउंट में लिंक हो। अगर आपका नंबर बैंक अकाउंट में लिंक नहीं होगा तो आप गूगल पे ID क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ नंबर डाल दिया, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। देखिए, नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। OTP आपके नंबर पे भेजा जाएगा जो कि आपको यहाँ पे टाइप करना है और उसको क्या करना है, कंफर्म करना है। फिर यहाँ से आपको स्टार्ट यूजिंग गूगल पे पे क्लिक करना है। देखिए, मेरा वेरिफिकेशन जो है बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आप दो चीज़ें लगा सकते हो, एक तो आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हो या फिर आप क्रिएट गूगल पिन लगा सकते हो। इसका मतलब क्या, जब भी आप गूगल पे ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको मतलब कि वो पिन डालना पड़ेगा या फिर आप अपना स्क्रीन लॉक, मतलब कि जैसे आकर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लगा हुआ तो आप वो लगा सकते हो या फिर कोई पैटर्न लगा हुआ तो आप वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास स्क्रीन लॉक है ये, तो उसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से। और देखिए, मेरा फिंगरप्रिंट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही सेफ और सिक्योर फीचर है गूगल पे का, ताकि गूगल पे ऐप जो है कोई और व्यक्ति आपको ओपन ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, कितने भी नॉट ये जो अलाउ मांगा वो आपको अलाउ कर देना है। सबसे पहले आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, देखिए जो कॉर्नर पे दिख रहा है, और यहाँ से आपको अपना ऐड ए बैंक अकाउंट, आपको अपना बैंक अकाउंट सबसे पहले ऐड करना होगा, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो, अपनी UPI ID क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ऐड ए बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आपको यहाँ से क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ताकि वो आपके अकाउंट को डिटेल्स को फेच कर सके। यहाँ से देखिए, एक नंबर आपके नंबर के द्वारा यहाँ पे एक SMS भेजा जाएगा बैंक को, और उसी से आपका जो कंफर्मेशन जो है कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं सेंड SMS कर देता हूँ। देखिए, सेंडिंग SMS फॉर वेरीफिकेशन, देखिए इसमें ग्रीन टिक आ चुका है, वेरीफाइंग नंबर विद बैंक, तो इसमें भी ग्रीन टिक आ जाएगा, और फाइंडिंग बैंक अकाउंट, जब भी तीनों ग्रीन टिक आ जाएंगे तो क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट इससे लिंक हो जाएगा। देखिए, मेरे दो नंबर में, दो चीज़ों में देखिए हो चुका है। इसके बाद ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, मेरा अकाउंट लिंक हो चुका है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, कंटिन्यू करना है। आपके एक मैसेज आ जाएगा कि देखिए आपका अकाउंट जो है वो इससे लिंक हो चुका है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपको एडिंग बैंक अकाउंट, अकाउंट एडेड हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, अब देखिए यहाँ ऊपर देखिए क्या आ रहा है, आपका नाम, आपका नंबर, और नीचे देखिए आपकी ID आ गई है, इसको बोलते हैं UPI ID। आप किसी को भी ये UPI ID देख के उससे पेमेंट ले सकते हो या किसको पेमेंट दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पेमेंट मेथड्स में मेरा अकाउंट जो है दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका बैंक अकाउंट जो है वो लिंक हो चुका है। अब आप देखिए मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, बिजनेसेस एंड बिल्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कराना हो या फिर कोई पेमेंट करनी हो या बिजली का बिल जमा करना हो या गैस बुक करना हो, कुछ भी किसी का पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, ऑफर्स आ रहे हैं। तो रिवॉर्ड्स में क्या होता है, बेसिकली जो जब भी आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी मतलब स्क्रैच कार्ड मिलेगा उसको आप यहाँ से स्क्रैच कर सकते हो, ये रिवार्ड में होगा। ऑफर्स में क्या, जो भी इस टाइम ऑफर चल रहे होंगे वो ऑफर आपको दिखाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ ऑफर चल रहे हैं बहुत सारे DTS पेमेंट्स के, या जब कभी भी आप देखिए ट्रांसफ़र करते हैं 500 से अधिक तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ से। इस प्रकार के बहुत सारे ऑफर जो हैं इसमें चलते रहते हैं, गारंटीड ऑफर्स या कैशबैक ऑफर्स, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हो।
इसके साथ ही साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप किसी मतलब अकाउंट में अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो या QR कोड को जो है स्कैन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे न्यू पेमेंट का, नीचे देखिए ये जो लिखा हुआ है ब्लू कलर में, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, बैंक ट्रांसफ़र, फ़ोन नंबर, UPI ID और QR या सेल्फ ट्रांसफ़र। तो बैंक ट्रांसफ़र में क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, री इंटर अकाउंट नंबर डालना है जिसको भी आपको पैसे सेंड करने हैं, IFSC कोड जो होता है बैंकिंग बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आपको, वो कोड आपको डालना है और यहाँ पे उसका नेम डालना है जिसके नाम पे वो अकाउंट है। इसके बाद आप कंटिन्यू करके जो भी मतलब जितना पेमेंट करना चाहो वो कर सकते हो उसको। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर के थ्रू मतलब जितने लोग इसमें गूगल पे में रजिस्टर्ड होंगे पहले से ही, तो उनका केवल आप नंबर डाल के ही उनको यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक आपको नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, अगर वो नंबर गूगल पे पर होगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा, आप उसको डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद UPI ID और QR से आप पेमेंट कर सकते हो। देखिए किसी भी शॉप या रेस्टोरेंट जब भी आप जाते हो तो QR स्कैनर जो होता है वो लगा होता है, तो यहाँ पे ओपन कैट कोड स्कैनर करके यहाँ पे उस कोड को जब आप स्कैन करोगे तो ये कोड जो है स्कैन कर लेगा और तुरंत उसकी जो ID है यहाँ पे आ जाएगी, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। या फिर जैसे आपकी UPI ID है वैसी किसी और की UPI ID आप यहाँ पे डाल के उसको वेरीफाई करके तुरंत उसका पेमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आप सेल्फ ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। देखिए बहुत सारे लोग जो पहले से ही होते हैं वो आपके कॉन्टेक्ट जो हैं सिंक हो जाते हैं, उनको आप डायरेक्ट जो है पेमेंट कर सकते हो यहाँ से जितने भी लोग हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बिजनेसेस एंड बिल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, चाहे आपको प्रीपेड रिचार्ज कराना हो, चाहे आपको अमेजन से शॉपिंग करनी हो, या आपको गो ऐप में यूज़ करना हो, या किसी भी चीज़ में यूज़ करना हो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट जो है कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ से LIC की किस्त भी जमा करनी हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए आपको क्या करना है, न्यू पेमेंट पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है LIC। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जो ऑप्शन आएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो यहाँ से क्या करना है, आपको अपना अकाउंट जो है लिंक कर लेना है, जो भी आपका अकाउंट होगा LIC का उसको उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है, पॉलिसी नंबर, ईमेल आईडी और अकाउंट नेम। तो इससे क्या होगा, आपका जो अकाउंट LIC का वो लिंक हो जाएगा और आप डायरेक्ट प्रीमियम यहाँ से क्या कर सकते हो, भर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको बिजली का बिल जमा करना है तो यहाँ बहुत सारे बिजली के बिल मतलब अलग अलग कंपनीज़ के, अलग अलग स्टेट के और अलग स्टेट के सारे बहुत सारे बिजली के बिल के मतलब जितने भी दिए होते हैं वो सारे यहाँ पे हैं। जैसे हमारे यहाँ, मैं कानपुर में रहता हूँ तो यहाँ पे आप मैं डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ केस्को को, तो देखिए यहाँ कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ से भी आप अपना नंबर अकाउंट उसका जो कस्टमर सर्विस नंबर होता है उसको आप लिंक करके आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो अपना बिजली का बिल, ठीक है। तो जैसे मेरा यहाँ कानपुर इलेक्ट्रिसिटी का है वैसे ही आपकी स्टेट का, आपके आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर होगा, तो इसको आप यहाँ से चूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको भी एक पेमेंट करके दिखाता हूँ, जैसे किस जो भी आपके कॉन्टेक्ट सिंक हैं उसमें आप क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। आपको सिंपल जाना है उसकी ID पे, यहाँ से आपको पे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप कुछ भी पे करके यहाँ से क्या करना है, कुछ भी लिख दीजिए, गिफ्ट लिख दीजिए और इसको ये कर देना ओके। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, ये आपकी परमिशन मांगेगा ग्रांट की, तो यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। इसके साथ साथ आपको लोकेशन मोड भी ऑन करना होगा हर बार, तो उसको आप टर्न ऑन कर देंगे यहाँ से। देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, आपको UPI ID, आपको यहाँ पे अपना UPI पिन डालना होगा जो आप गूगल पे पे क्रिएट करोगे, क्योंकि मेरी पहले से ही ID बनी हुई थी इसलिए मेरा पहले से ही UPI जो है वो क्रिएट है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका क्रिएट नहीं है तो आपको तुरंत का तुरंत वो UPI जो है क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है पेड 10 rupees, तो ये इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए आप सी ऑल पेमेंट सबसे नीचे जब आप आओगे, जैसे ही आपके अकाउंट से कोई भी मनी लेस होगी तुरंत आपके मोबाइल पर क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके जब सबसे नीचे आओगे तो यहाँ देखिए सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी लिख के आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो जो भी चीज़ मतलब ट्रांजेक्शन आपने किए होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन जो है यहाँ से दिखाने लगेगा, जितना आपने मतलब
जो भी आपने पेड किए होंगे वो रेड कलर में दिखाएगा, जो भी अकाउंट में आपके आएगा वो ग्रीन कलर में दिखाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपना अकाउंट बैलेंस भी कर सकते हो केवल और केवल क्या डाल के, केवल UPI पिन डाल के, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी ऐप है, बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है और इसमें बहुत सारे सेफ्टी ऑप्शन और सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो गूगल पे को आप जरूर यूज़ करके देखिए। सो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।